जीवन बचाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन हम जीवन को बचा नहीं पा रहे थे। और दुनिया को जितने हम लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब चीजें हमने निर्मित की, लेकिन उसके भी ताले लग गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत ने जो एक संरचना बनाई है उसके खिलाफ यदि हम जाएंगे तो इस प्रकार की विकट स्थितियां देश और दुनिया के सामने आने वाली है। तो समय रहते हुए हम लोगों को संभल जाना है। और ये जो हमारा मानव जीवन मिला है हर किसी को नहीं मिलता है, ये किस्मत वाले को मानव जीवन मिलता है। तो अपने लिए तो जिए, परिवार के लिए भी जिए, लेकिन मानवता के लिए और इंसानियत के लिए जिए। और अपने आसपास के लोगों का जीवन कैसे व्यवस्थित हो सके, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आ सके, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा। हो ऐसा रहा है कि पानी तो अभी हमने बेचना चालू कर दिया। यदि अच्छा पानी चाहिए ऐसा करके यदि किसी को चाहिए तो 20 रुपए 10 रुपए खर्च करना पड़ता है, तब जाके पीने को पानी मिलता है। हम जैसे ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं वहां तो पानी फिर भी आसानी से मिल जाता है। शहरों में चले जाइए आप, 20 रुपए होंगे तो पानी मिलेगा, 20 रुपए नहीं होंगे तो पानी आपको नहीं मिलने वाला है। और जैसे मैंने कोरोना में ऑक्सीजन की बात करी तो ये समय निश्चित है आने वाला कि हम ऐसे ही प्रदूषण वायु प्रदूषण करते रहेंगे तो जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के सिलेंडर हेलो ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसके पास में पैसे होगा वो खरीदेगा और पीठ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लटका के घूमते रहेगा, वही आदमी जितना रहेगा, बाकी लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो विकट स्थितियां दुनिया पे आ रही है तो ये जनजागरण करने के लिए, संवाद करने के लिए दुनिया में इंसान इंसान के प्रति और प्राणी मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो संवेदना खत्म हो रही है उसको जगाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और इस यात्रा के साथ में 6-6, 7-7 वकील चल रहे हैं। और इस यात्रा की शुरुआत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर लूना भूरिया जी और मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के 3 टीम रिटायर्ड डीएसपी ने हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा किसी जाति धर्म पंथ को लेकर नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी समाज से आते हैं इसलिए कई सारे लोगों को ये लगता है कि ये तो सिर्फ आदिवासियों की बात है। और आदिवासियों की बात जरूर है लेकिन आदिवासियों में मानवता और इंसानियत छुपी हुई है, ये भी हमको समझना है। आदिवासी किसी को मारने की बात नहीं करता, उसकी सुरक्षा के लिए कभी कुछ कर लिया हो अलग बात है, लेकिन दुनिया में यदि बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, बम बनाए हैं, तोप बनाए हैं, तो किसने बनाए हैं? आदिवासियों ने कोई बनाया है? कोई ऐसा वैज्ञानिक है आदिवासी समाज का? नहीं है। तो जो हिंसा का मार्ग है वो आदिवासियों का नहीं रहा है। हिंसा का मार्ग जो दुनिया वाले हमको सीख देते हैं वो हिंसा के मार्ग पे है। विश्व युद्धों को लड़ने के लिए आदिवासी कभी नहीं जाएगा, उसको राजपाट की लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है, उसको तो जितना चाहिए उतना प्रकृति से लेता है और बाकी सुरक्षित आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देता है। तो आदिवासियों से डरने की जरूरत नहीं है, आदिवासी आपकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, जंगल को बचाने की बात कर रहा है, जमीन को बचाने की बात कर रहा है और खनिज संसाधनों को बचाने की यदि बात कर रहा है तो आने वाले समय में न सिर्फ ये आदिवासियों के काम आएगा, ये आपके भी बच्चों के काम आएगा, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है। तो इसलिए ये मानवता इंसानियत के आंदोलन में और जल जंगल जमीन बचाने के इस आंदोलन में, जैसे कि हसदेव के जंगल है छत्तीसगढ़ के, वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन इस देश की व्यवस्था मान नहीं रही है। हम तो इस जंगल को काट के ही रहेंगे। वहां के लोगों की संवेदना को देखिए कि यहाँ पर पर्यावरण वातावरण बिगड़ेगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, यहाँ का प्राणी जीव मात्र परेशान होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, ऐसा करके वो जंगलों से झाड़ों से लिपट रहे हैं, फिर भी इस देश के हुक्मरानों में संवेदना नहीं जाग रही है। ऐसे लोगों की संवेदना जगाने के लिए हम लोगों को जगह जगह जाना पड़ रहा है। और ये जो जंगल काट रहे हैं वो भूल में है कि जंगल काट के हम सुरक्षित बचेंगे, उनका भी जीवन खतरे में है। आदिवासी तो मरेगा लेकिन आदिवासी बाद में मरेगा, पहले उसकी बारी आएगी। हम ऐसी दुआ नहीं करते लेकिन ऐसा यदि कृत्य करेंगे तो ये प्रकृति खुद अपना रूप दिखाएगी। आखिरी बात कहूंगा मैं, जैसे कोरोना की बात कर रहे थे हम, तो कोरोना में जो विकसित और विकास की बात हम करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विकसित राष्ट्र
और दुनिया की सबसे विकसित सिटियों में और गांव में दोनों में कंपेरेटिव स्टडी हम करते हैं तो कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान शहरों में या विकसित देशों में किया या गांवों में किया, बताइए मुझे। सबसे ज्यादा नुकसान विकसित कंट्री और विकसित सिटी में हुआ है। और हमारा तो जीवन, कभी कहते हैं कि आदिवासी समाज को जीने की अक्कल नहीं, रहने की अक्कल नहीं, पहनने की अक्कल नहीं, खाने की अक्कल नहीं और उसकी परंपरा संस्कृति में कुछ मूल्य नहीं है। लेकिन ये दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं, समझदार लोग हैं, उनने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। आदिवासी का जो अनपढ़ व्यक्ति, पगड़ी वाला व्यक्ति बरसों से जानता था कि हम हवा खुली में रहेंगे, एक मकान यहाँ रहेगा, दूसरा मकान यहाँ रहेगा। हम लोगों को ये लॉकडाउन का कोई असर नहीं हुआ, जानते हैं। तो ये दुनिया वाले जो लोग हमारे बीच में आते हैं पंथ को लेकर, धर्म को लेकर और अनेकों प्रकार के चीजें लेकर आते हैं, तो उनसे हमारा इस यात्रा के माध्यम से संदेश है, मेरा ही नहीं बल्कि महाश्वेता देवी वर्मा जो इस देश की महान लेखिका हुई है उनका संदेश है कि आदिवासियों के बीच में यदि आप लोग जाते हैं तो उनको सुधारने के नाम पे मत जाइए, आप खुद सीखने और स्वयं को सुधारने के नाम पे जाइए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की जो भावना है आदिवासी समाज में मौजूद है। तो मेरे आदिवासी समाज में यदि कोई आ रहा है तो मेरे आदिवासी समाज को सुधारने के नाम पे मत आइए, यदि आते हैं तो उनका एजुकेशन कैसे अच्छा हो इसकी बात कीजिए, इनका स्वास्थ्य स्तर कैसे अच्छा हो ऐसी बात कीजिए, उनके आजीविका के साधन जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनके आजीविका के साधन फिर से कैसे खड़े हो इसकी बात कीजिए, आदिवासी समाज के लोग खुशहाली से कैसे रहे इसकी बात कीजिए। हमको पूजा पाठ के तरीके सिखाने के लिए या हमको जीने के ढंग सिखाने के लिए मत आइए, हम लोग तो प्रकृति और कुदरत को पूजने वाले लोग हैं, इस पानी को पूजते हैं, जंगल को पूजते हैं, जमीन को पूजते हैं, चांद को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, या यदि सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और दुनिया भी सुरक्षित रहेंगे, ये बात